गढ़वा जिला स्थित मेराल प्रखंड के लिखनिया ओम औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र प्रधानाध्यक्ष संतोष शर्मा के द्वारा विद्यार्थियों से अवैध राशि की वसूली की जा रही है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में छात्रों ने हंगामा किया तथा परीक्षा केंद्र पर ही धरने पर बैठ गए। अब यह मामला पूरे जिले में पूरी तरह से तूल पकड़ता जा रहा है। विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन पर धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे कॉलेज में नामांकन ले रहे थे तो उनके तथा कॉलेज के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि पूरे 2 वर्ष का कोर्स फ्री के रूप में 36,000 रुपए की राशि की भुगतान करनी होगी और कॉलेज की तरफ से छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु झारखंड सरकार ने छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति के रूप में 60,000 रुपए डाले तो अचानक कॉलेज का कोर्स फीस 36,000 रुपए से बढ़कर 52,000 रुपए हो चुके, जो कि एक प्रकार से छात्रों के साथ धोखाधड़ी है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि यदि छात्र के द्वारा 52,000 रुपए की भुगतान नहीं की जाती है, उन्हें फेल कर दिया जाएगा तो ये फिर उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। छात्रों ने कहा कि उनके तथा कॉलेज के बीच भी जो एग्रीमेंट हुआ है उससे एक पैसा ज्यादा नहीं देने वाले। इस मामले को लेकर छात्रों ने उपयुक्त गढ़वा शेखर जमुआर के समक्ष अवगत कराने की बात कही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। ओम PVTITI कॉलेज लिखनिया है। यहाँ पे मतलब शुरू में जब क्या बोलते हैं एडमिशन हो रहा था तो उस समय बोला गया कि कॉलेज फी क्या बोलते हैं 36,000 लगेगा। ये देखिए पेपर भी है इनका, 36,000 पूरा टोटल स्कॉलरशिप क्या बोलते हैं एडमिशन फी है, कॉलेज फी है। और जब 60,000 रुपया स्कॉलरशिप आ गया तो उस समय अब बोल रहे हैं कि 52,000 रुपया लगेगा, जो कि जब एडमिशन हो रहा था उस समय ये कंडीशन नहीं बताया गया था कि अगर स्कॉलरशिप अगर ज्यादा आ जाएगा तो ज्यादा कॉलेज फी देना है। और कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे किसी से 36,000, किसी से 32,000, किसी से 30,000, ऐसे 52,000 कोई भी 52,000 भी दे दिया गया है। और हम लोग अभी एग्जाम नहीं लिख रहे थे तो मतलब हम लोग को बोला गया कि कुछ मैनेज कर दिया जाएगा, तो इसलिए हम लोग फिर एग्जाम लास्ट में लिखे। बोले सर कि करियर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम लोग फिर एग्जाम। अच्छा, जिसका 60,000 स्कॉलरशिप मिला है उसका 52,000 रुपए मांग रहे हैं। हाँ, 52,000। और जिसका कम स्कॉलरशिप है उसका, और जिसका आया ही नहीं है उसका कितना? हाँ, जितना भी बात हुआ है उतना ही पे हुआ है। और अदर इधर जो कॉलेज है वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वहाँ पे हम लोग पता किए तो वहाँ पे केवल 34,000 और 36,000 ही लिया जा रहा है, उससे ज्यादा नहीं लिया जा रहा है। और वहाँ भी पता किए कि स्टूडेंट का कितना स्कॉलरशिप आया है तो वहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे 60,000 रुपया हर स्टूडेंट का स्कॉलरशिप आया है। अभी अब इससे पहले बोले कि मैनेज करने की बात आई तो क्या क्या मैनेज करने की बात? मैनेज के लिए बोले कि कुछ कम हो जाएगा, प्रिंसिपल सर बोले 52,000 में कुछ कम हो जाएगा। हाँ, ऐसा बोला गया, मैंने कितना कम हो गया ये नहीं बोला। 100-200 रुपए कम हो जाएगा। हाँ, जो भी बोले कम हो जाएगा, 100-200 कम हो जाएगा। आप कहाँ से आते हैं? हम हुसैनाबाद जपला, ओम ITI वहाँ भी है, एक ब्रांच है, वहाँ से हम आते हैं, आए हैं यहाँ प्रैक्टिकल देने। तो हम लोग को भी 52,000 मांगा जा रहा है, कम नहीं कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट डरा के दे दिए, एग्जाम नहीं लिया जाएगा। शुरू से मैंने बोला गया था कि हम 30,000 रुपए, कोई 30,000 रुपए बात किया, कोई 36,000 रुपए, कोई 40,000 रुपए बात करने के ऊपर है, लेकिन कितना स्टूडेंट 30, कितना 32, कितना मैंने 36 में भी बात किया है। तो बस बीच में अरे सर बोलिए आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि बस जो एक्स्ट्रा फी लिया जा रहा है 52,000 स्कॉलरशिप पाने के बाद उन्हें लिया जाए, क्योंकि पूरा रूल होगा तो झारखंड के लिए, केवल ITI के लिए तो स्पेशल नहीं होगा, पूरा 30,000 चाहे 52,000 रूल होगा तो पूरे झारखंड का होगा, केवल स्पेशल लिया जा रहा है 52,000। अगर ज्यादा लिया जाएगा तो आप लोग के क्या कदम आगे उठाएंगे? क्या हम लोग देंगे ही नहीं? हम लोग देंगे नहीं, हम लोग छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, हम लोग नहीं देंगे, नहीं हुए हैं। हम सीधा बात बोल रहे हैं कि सर आपको अगर 52,000 लेना है तो अपना कॉलेज की मोहर मार दीजिए, अपना सिग्नेचर मार दीजिए, हम लोग आगे। इनके पास पेपर है, उस पे हम लोग से एक दो स्टूडेंट से साइन लिए हैं और उस पर कंडीशन रख रहे थे कि स्कॉलरशिप नहीं भरने दिया जाएगा, इसलिए डेरा के स्टूडेंट साइन कर दिया है उस पेपर पे, एग्जाम नहीं दिया जाएगा, डेरा के वजह डेरा के उन लोग साइन कर दिया। वही दिखा रहे हैं कि आप लोग बोनाफाइड पे साइन किए हैं कि इतना स्कॉलरशिप हम ले रहे हैं गवर्नमेंट से। इसी के वजह से हम अगले इस वर्ष स्कॉलरशिप भरे नहीं, हम एक ही साल का मेरे को स्कॉलरशिप मिला, 52,000 हमसे भी मांग रहे थे, पर हम बोले कि नहीं हम सर नहीं उतना देने पाएंगे, जितना में बात हुआ 36 में उतना ही आप रखिए। अगर गवर्नमेंट हम लोग इसी की वजह से हम इन साल का स्कॉलरशिप हम लोग को गवर्नमेंट अगर 1,00,000 रुपया अगर स्कॉलरशिप अगर दे देता है तो कॉलेज का बोलेगा कि हम लोग के पूरा 1,00,000 रुपया दे दीजिए पूरा, कि जो कॉलेज फी है वही लेगा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट दिया है वो पूरा पैसा मांग रहे हैं उन लोग, लेकिन हम लोग जो कॉलेज का फी है वही देंगे और हर कॉलेज में वही लिया जा रहा है, उसके एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा है। हाँ, खाली ओम ITI नहीं है,
कि खाली ओम आई टी में आई टी में मांगा जा रहा है और बहुत सारा कॉलेज सुमित्रा आई टी आई आई टी गढ़वा में लालटेनगंज में है, वहाँ नहीं उतना जितना फी है उतना ही मांग रहा है। ओम आई टी आई में खाली नियम है कि 52,000 देना है। हम बहुत जगह पता किए हैं, हमारे गाँव के ही प्रिंसिपल है सुमित्रा नंदन आई टी आई का है, नहीं बोल रहे हैं कि जितना फी है उस पर लिखा हुआ है उतना ही लिया जाएगा, और ओम आई टी आई ले रहा है तो ही धांधली कर रहा है। चलिए ठीक, झारखंड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24।